इट इज पॉसिबल कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स कम हो, सकती हो सकती है ये प्रूवन है डॉक्टर डीन ओर्निस करके मेडिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिकन जिन्होंने मेडिकल साइंस को प्रूफ करके दिखा के दिया ये पहले के एंजियोग्राफी भैया ये आपकी एंजियोग्राफी और आप देख लो कितनी रिवर्स हो रही है और ये कब एक्सेप्टेंस होता है जब वर्ल्ड की लीडिंग जर्नल्स मेडिकल जर्नल इसको पब्लिश करता है विद द ऑल द प्रूफ तो डीन ऑर्नीस की जो सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की जर्नल है लैंडसेट में पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन उनके जर्नल में पब्लिश हुई कि ये रिवर्सल संभव है उन्होंने बोला कि मॉडरेट चेंज नहीं चाहिए मुझे पूरा चेंज चाहिए hmm. हर चीज अगर ठीक कर लोगे तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं और घटेगी और वो एनजियोग्राफी करा करा के दिखा के दिए थे तो प्रूफ में कहीं कमी नहीं है कोई डॉक्टर कोई भी जगह जाके नहीं बोल सकता रिवर्सल नहीं संभव है। बोलते हैं वैसे वो लोग <laughs> जानबूझ के बोलते हैं कि क्यों क्यों हम अपना बात खराब करें बट रिवर्सल इज हंड्रेड परसेंट पॉसिबल जब वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जर्नल में पब्लिश होती है बुक्स में आ जाती है तो इट्स अ प्रूवन प्रोसेस तो सर मतलब आपका मतलब है इनपुट चेंज करो आउटपुट चेंज हो जाएगी अपने आप होगी लवली बस वो इनपुट पूरी होनी चाहिए हाफ हार्टेड हाँ, नहीं हो yes, चाहिए yes, लोग आते मेरे पास सर मेरा ये कंट्रोल है ये कंट्रोल है कर, मैं बोला जो जो कंट्रोल है उसको नहीं गिना जो जो नहीं है उसको गिना लो तब तो बोलते हाँ सर सिगरेट तो पीता था हाँ सर एक्सरसाइज तो नहीं करता था हाँ सर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था मैं बोला देखो जो जो गड़बड़ है उसको सीख लो जो जो ठीक है वो तो मानते हैं सर मैं वेजिटेरियन हूँ मेरा वजन नॉर्मल है मैं बोला मान गया यार जो जो ठीक है वो तो है ही है जो जो गड़बड़ है उसको ठीक करना है नाउ दिस इज़ हाउ वी अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच है लोगों को नेक्स्ट डे से रिजल्ट मिलना चालू होता है हार्ट का पेशेंट को जब तक रिजल्ट नहीं आएगी वो घबराएगा उसको टेंशन रहेगी जब वो चलने लगता है एक एक घंटा चलने लग जाता है हमारे रिसोर्ट में रह के तब तो बोलता है सर तो हो रहा है और फिर खुश हो जाता है कल ही मेरे एक पेशेंट था उनका पंद्रह परसेंट पंपिंग हो गई थी तीस हो गया अब वो बड़ा खुश सर मेरा तीस हो गया मैं बोला तो जान आ गई मेरी लाइफ में इट्स लाइक दैट इट तो सर ये जो हो गए आपके कोलेस्ट्रॉल हो गया सो यू अकॉर्डिंग टू यू ये आप बिल्कुल आप टोटली उस ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हैं कम कर सकते हैं देखिए एक बात याद रखिए ब्लॉकेज बनने चालीस साल लगी है yes, एक okay. आदमी को साठ साल में हुँ। तो ये मत समझ लीजिए दो चार दिन में खत्म होने वाली है पर जिस दिन ब्लॉकेज रुक जाए उस दिन से हार्ट अटैक के चांस खत्म है क्योंकि अब मेमब्रेन स्ट्रेच नहीं हो रहा है hmm. और जब कम हो जाए तो आप सोच लो जो नोट की गड्डी में नोट घुसाना बंद नहीं किया आपने नोट निकाल ली तो रबर बैंड ढीली हो गई तो फटेगा ही नहीं कभी तो अगर आप दस परसेंट पाँच परसेंट दो परसेंट भी ब्लॉकेज कम होते हो तो हार्ट अटैक के चांस खत्म है नाउ दैट इज द फर्स्ट थिंग कि पेशेंट को एश्योर्ड होना कि मैं बचा रहूँगा जिंदगी मेरी hmm. खतरे में नहीं है जो हॉस्पिटल से एक बार घूम के आता है उनको ये खतरा बता दिया जाता है कि आपका खतरा है ऐसा नहीं कि खतरा नहीं होता अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो खतरा है खतरा नहीं है ये भी नहीं बोल रहा हूँ पर ख़तरे के पहले उसका सोल्यूशन बताओ आप कि ये ये करोगे तो हार्ट अटैक अट अट नहीं होगी कार्डियोलॉजी बोलते हैं हमें तो भाई देखो उस चीज़ से पैसे मिलते हैं हम उसको करते हैं तो नाउ दैट आई आई बिलीव इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन तो व्हाट वी कैन डू इज मेडिकल साइंस के डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो और ये अमेरिका में हो रहा है अभी मैं जिस कॉन्फ्रेंस में गया था वहाँ पे साढ़े चार हजार डॉक्टर्स थे wow. तो वो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग ये मान रहे हैं कि लाइफ ठीक कर लूंगा तो ये दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा ये ऑपरेशन के खर्चे कम हो जाएंगे और सरकार उनको इनकरेज कर रहा है तो इट्स इट्स गोइंग इन द रोंग डायरेक्शन विच हैज़ टू बी रेक्टिफाइड और सावल इज द आंसर डी नॉन एक चीज बताते थे बोलते जब सिस्टम नया लाओ तो मेडिकल साइंस पहला काम बोलता है ये संभव ही नहीं है ये संभव नहीं है इम्पॉसिबल बात कर रहे हो आप हो ही नहीं सकता रिवर्सल राइट right. फिर जब प्रूफ आता है कि भाई ये देखो हो गया तो वो क्या बोलते मालूम है हो तो सकता है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट पीपल के नॉट डू इट जब लाखों लोग करने लग जाता है जब इसको हमने इजी कर दिया अब वो क्या बोलेंगे थोड़े दिन बाद अरे वो डॉक्टर चार्जर तो दिखाई देके हैं तो उसमें नया कोई बात है क्या बताओ नाउ दिस इज हाउ द एक्सेप्टेंस कम्स इट्स नॉट दैट कोई सर्टिफाई करके देगा कि हाँ बहुत है. अच्छे वो जब लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो करने लगे आज हमारी यूट्यूब चैनल में हर दिन एक मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं आज हमारी कोई वीडियो 500 मिलियन वायरल जा रहा है तो ये इसलिए जा रहा है कि लोगों को लॉजिक समझ आ रहा है और लोगों तक समझ आ जाए और लोग उसको फॉलो करें तो ये बहुत कुछ हो सकता है